जब भी आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न दिए हो तो कैसे बनाओगे? कह रहा है कि 200 तक 7 से विभाजित कुल कितनी संख्या, पूछ रहा है इन 7 से डिविजिबल कुल कितनी संख्या। तो बेसिकली जब भी आपके एग्जाम में ऐसे सवाल दिया तो हमें पूछ रहा है 200 तक, तो 200 तक मतलब कितने से पूछ रहा है, 7 से। तो 7 से क्या करो, डिविजिबल, यानी डिविजिबल पूछ रहा है कुल कितने संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगे, तो 7 से क्या करो, भाग दे दो। भाग दो तो क्या आने वाला है, 7 कम में काटोगे कितने में कटेगा, 7 दूनी 14 बचेगा आपका 6 यानी 60 का, और 7 और 8 56 यानी दशमलव वाले मान को नहीं ले, कुल कितना होगा 28 हो गया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपका दिया है कि 200 तक, इसका आप बताइए 200 तक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 19 से डिविजिबल संख्या पूछ रहा है, तो 200 तक तो भाग दे दो। 200 में क्या करोगे, 200 में बेसिकली क्या करना है, 19 से डिविजिबल करना है और दशमलव वाले मान को नहीं रखना, यानी हम नहीं लेते हैं, तो कितने में मिलेगा, 19 दहा में कितना होगा 190, 19 दहा में होता है ना 190, यानी कितना होगा 10, यानी आंसर क्या होगा आपका 10, ऑप्शन क्या नहीं देन नॉन। ओके, जैसे कि आपका देते हैं एक बेसिकली और छोटी सी सवाल को हम समझाना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका प्रश्न में ये दे देता है, जैसे हम तो हमें पता है और क्या है कि 1 से लेकर 10 तक, क्या है कि 10 तक 2 से डिविजिबल संख्या, 2 से विभाज्य संख्या, विभाज्य यानी कुल कितने ऐसी संख्या है कि 2 से क्या हो जा रहा है, विभाज्य हो जा रहा है। तो अगर हम पता करना चाहते हैं तो उसी प्रकार हम वो भी पता कर सकते हैं। और क्या है कि 10 तक 2 से विभाज्य संख्या, तो हम जानते हैं कौन कौन, अगर लिखते हैं 1 2 3 4 5 उसको क्या होगा 6 7 8 9 10, तो 2 से कुल कितने डिविजिबल हैं, 2 से भाग चले जाएंगे यानी जो 2 से कट जाए, तो कुल कितनी संख्या है वही पूछ रहा था, उसमें 7 से पूछ रहा था, 2 है, 1 4 है, 1 आपका 6 है, 1 क्या 8 है, 1 आपका 10 है, तो कुल कितनी संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5, कुल कितनी संख्या है 5, कुल कितनी है 5। लेकिन यही मान लो बड़ी हो संख्या, तब कैसे निकालोगे, जैसे आपका दे दिया था 200 तक में 7 से 8 से कोई भी ऐसे सवाल हो, तो हमें पता है 5 कैसे आए, तो 5 आप इस तरह भी निकाल सकते हो, 10 से बाय क्या करो 2 से भाग दे दो, 2 बचे 10, उस तरह भी तो आ गया। तो इसी प्रकार हमने सभी सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के बस इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।